एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैस्ट्रोल पावर मोबिल है, यहाँ लिखा हुआ है कैस्ट्रोल पावर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2050 और इसके अंदर ये हुआ कैस्ट्रोल एक्टिव, ठीक है, और इसके अंदर 2040 यानी कि ये जो होता है हमारा पावर होता है मोबिल का 2050 और इसके अंदर जो है 2040 है, ठीक है। और अब हम दोनों का MRP आपको दिखाते हैं। MRP इसका 449 रुपये है, एक लीटर है, यहाँ पर देखिए एक लीटर लिखा हुआ है, और उसके बाद जो हमारा इसका 410 है, ये भी एक लीटर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि ये किस गाड़ी में डाला जाए और ये किस गाड़ी में डाला जाए। तो जैसे कि 160 cc की अगर कोई बाइक है, जैसे हीरो की एक्सट्रीम बाइक, अपाची RTR, CVZ, इन सब गाड़ी में, पल्सर 150 में, ये सब गाड़ी में ज़्यादातर पावर आप डालिए, पावर काफ़ी अच्छा होता है। इसका रेंज 4 से 5 हज़ार किलोमीटर आप आसानी से चला सकते हैं और इसके अंदर आप 3 हज़ार से 3500 के बीच इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जैसे इसका 410 है और इसमें 80 रुपये आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसका लुब्रिकेंट जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है, यानी कि एक्टिव, ये जो हमारा है कैस्ट्रोल एक्टिव, एक्टिव तो ज़्यादा अच्छा होता है पावर A1 का, ठीक है। आज हम जो डालेंगे ये मोबिल, हम उस गाड़ी में डाल रहे हैं, न्यू मॉडल की गाड़ी है हीरो की एक्सट्रीम, तो आज हम उसी में ये मोबिल डालने वाले हैं और ये मोबिल काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अंदर का मैं कलर बात करूँ तो इसके अंदर मोबिल के अंदर जो कलर होता है वो पीला होता है, जैसे ये हमारा डिब्बा है उसी कलर का ऑयल होता है, और इसके अंदर लाल कलर का होता है। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन बात बता दूं कि अगर आपका 100 से ऊपर cc की है तो ज़्यादातर आप पावर यूज करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। और 100 cc लमसम का है, 100, 125, 110 उन सब गाड़ियों में ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए मैं आज हीरो की एक्सट्रीम बाइक में डालता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।